हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल स्टूडेंट। जो मेरे ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस वीडियोज हैं वो आप यहाँ पे आई टेप पे जाके देख सकते हैं स्टूडेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, डीहाइड्रल ग्रुप के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक वीडियो में दे चुका हूँ कि जहां पर डीहाइड्रल ग्रुप क्या होता है, उसके अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, प्लस उसका बिहेवियर क्या, रिफ्लेक्शंस एंड रोटेशंस के बारे में बताया था मैंने, प्लस उसमें कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप स्टूडेंट मेरा जो वीडियो है डीहाइड्रल ग्रुप का जो बेसिक वीडियो वो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जो डीहाइड्रल ग्रुप होता है उसके कितने सब ग्रुप होते हैं, प्लस यहां पे इसका क्लास इक्वेशन क्या होता है, प्लस नॉर्मल सब ग्रुप कितने होते हैं, ये सब मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो सुन देखिए, सो सुन बात करेंगे कि जो डीहाइड्रल ग्रुप होता है उसके सब ग्रुप कितने होते हैं। तो सुन यहां पे कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डीहाइड्रल ग्रुप डीएन आर टॉय एन प्लस सिग्मा एन। अब आप बोलोगे सर टॉय एन एंड सिग्मा एन होता क्या है, वे टॉय एन आर द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन एंड सिग्मा एन इज द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ एन। इधर देखिए आप, मान लीजिए हमारे पास यहां पे बात करते हैं हम D7 के बारे में, राइट। तो यार D7 में 7 के डिवाइजर्स कौन होते हैं, एक तो 1 है, X7 है, राइट। तो ये दो डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर इज 2, दिस इज अ टॉय एन, राइट। और सिग्मा एन क्या, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम मतलब 1 प्लस 7, दिस इज, अगर बात करें यहां पे तो टो 7 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, है ना। कितने डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर, एंड सिग्मा 7 जो होगा वो इन दोनों का सम मतलब 1 प्लस 7, राइट, है ना। तो ये आएगा हमारे पास 8, और इन दोनों का जो जोड़ मतलब यहां पे इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 10। तो D7 के जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे वो हमारे पास कितने होते हैं, 10 होते हैं, राइट। तो इस तरह से यहां पे इसको हम समझ सकते हैं। अभी आप देखिए, आगे समझाता हूं मैं आपको, बात करेंगे D3 के बारे में, राइट। तो D3 के बारे में बात करें तो इसमें बताना चाहता हूं कि D3 है, तो D3 में हमारे पास टो 3 की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ डिवाइजर, दो डिवाइजर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 3 होता है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने यहां पर 2 है, एंड सिग्मा 3 इस यहां पे सम ऑफ डिवाइजर, तो इन दोनों डिवाइजर का सम करेंगे तो ये 4। तो इस यहां पे इसके जो टोटल सब ग्रुप होते हैं D3 के वो होते हैं हमारे पास टो 3 प्लस सिग्मा 3, है ना। तो इस इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास 2 प्लस 4, दैट इज 6 होगा, राइट। तो यहां पे 6 हमारे पास सब ग्रुप होते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं, तो हम जानते हैं कि D3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू नो D3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, क्या होता है ए स्क्वायर आइडेंटिटी, ए बी स्क्वायर बी एंड बी स्क्वायर, राइट। अब यहां पे होता क्या, कौन कौन से सब ग्रुप होंगे, तो एक तो खुद हमारे पास D3 होगा, राइट, D3 खुद हमारे पास सब ग्रुप होगा, एक हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ सब ग्रुप बनेंगे, ये तो बनेंगे, राइट। अब और कौन कौन से होंगे, तो इसमें आइडेंटिटी के साथ जितने भी रिफ्लेक्शन है उनको सब लेंगे, तो एक रिफ्लेक्शन हमारे पास ए, तो एक हमारे पास ये सब ग्रुप बनेगा, दूसरा हमारे पास आइडेंटिटी ए बी बनेगा, तीसरा हमारे पास आइडेंटिटी एंड ए बी स्क्वायर बनेगा, एंड एक हमारे पास जितने भी रोटेशन है उनको साथ ले लीजिए, तो आइडेंटिटी के साथ जो रोटेशन है हमारे पास आइडेंटिटी बी एन बी स्क्वायर, इसमें ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सब ग्रुप बनेंगे, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि टू ऑर्डर के यहाँ पे 3 सब ग्रुप बनेंगे, राइट। देखो 3 बन रहे हैं, तो इसमें इसका फार्मूला होता है, जब भी आपको यहाँ पे पता लगाना है कि हमारे पास टू ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे, तो इसमें यहाँ पे टू ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय फाई 2, ये हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ सब ग्रुप का, नंबर ऑफ टू ऑर्डर सब ग्रुप का फार्मूला ये होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो D3 में टू ऑर्डर के एलिमेंट हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, राइट। तो ये 3 हो जाएगा, एंड फाई 2, इसमें फाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1, तो इसमें यहां पे हमारे पास 3 सब ग्रुप होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे, तो इसमें यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, बिकॉज यहां पे 3 ऑर्डर का भी हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक होता है, राइट, और डिवाइडेड बाय फाई 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, आईटी पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वो मिल जाएगा, राइट। तो D3 में हमारे पास 3 ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं वो 5 3 होते हैं, राइट। तो भैया ये ऊपर 5 3 हो जाएगा और नीचे भी इसकी वैल्यू 5 3 आ रही है, मैं 3 ऑर्डर के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट इसको कैंसिल करेंगे तो 1, तो हमारे पास यहाँ पे यूनिक सब ग्रुप मिलेगा 3 ऑर्डर का, राइट। जो हमारे पास ये होता है स्टूडेंट, ये हमेशा Z3 का आइसोमॉर्फिक होता है, याद रखिए। अगर हम बात करेंगे D4, तो D4 में जितने भी हमारे पास आइडेंटिटी और जितने भी रोटेशन आएंगे उनका जो भी सब एलिमेंट के साथ जो टोटल सब ग्रुप बनेगा, जैसे मान लीजिए D4 है तो वो Z4 का आइसोमॉर्फिक होगा, है ना, D5 है तो Z5 का आइसोमॉर्फिक होगा, एक हमेशा आपको ऐसा सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, राइट, है ना, और वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। सो स्टूडेंट ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ D6, तो भैया D6 आप आराम से समझ सकते हो, टो 6 प्लस सिग्मा 6, टो 6 की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो हम जानते हैं 6 के हमारे पास डिवाइजर्स कौन कौन होते हैं, एक तो 1 है,
X32 है, X3 है, NX6 है, तो टोटल हमारे पास चार डिवाइजर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चार होगी। इन सब का सम, इसमें इन सब का सम करेंगे तो 6 और 3 9 9 और 2 11 और 1 12, तो इसमें 12 आएगा। इनका सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 16 मिलेगा। तो स्टूडेंट D6 के हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। इसी टाइप से अगर बात करें टोटल सब ग्रुप ऑफ D4, तो स्टूडेंट D4 के हमारे पास जो सब ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, Tau4 + σ4। Tau4 की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 4, तो 4 के डिवाइजर क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है। तो हम जानते हैं इसके तीन हमारे पास डिवाइजर्स होते हैं और इन तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 4 और 2 6 और 1 7, तो 3 और 7 मतलब 10 हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर सब ग्रुप तो समझ में आ गया, आप नॉर्मल सब ग्रुप कैसे निकालते हैं डिहाइड्रल ग्रुप के अंदर, तो नॉर्मल सब ग्रुप का भी यहाँ पे कंसेप्ट होता है। आप देखिए ट्रिक है, ये समझने की जरूरत है। नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ DNR फॉर्मूला होता है Tau n+3 इफ n इज इवन एंड Tau n+1 इफ n इज ऑड। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि यार भैया D3 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, D4 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, तो यार Tau n को मैंने भी अभी बताया था, Tau3 क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, 3 के डिवाइजर्स क्या होते हैं, 1 एंड 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n इवन है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, मतलब D4 में ये वाला लगाना पड़ेगा एंड D3 में ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि n ऑड है तो आपको ये वाला फार्मूला लगेगा, राइट। तो सुन D3 की बात करते हैं, है ना, तो D3 के बारे में बात करेंगे, तो सुन D3 में हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर 2 आ रहे हैं, तो सुन यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन 1, है ना, क्योंकि Tau n+1 तो 1, तो सुन यहाँ पे D3 के में हमारे पास 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, तो एक तो एक खुद D3 नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एक हमारे पास आइडेंटिटी के साथ होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, सुन आइडेंटिटी B n B² जो 3 ऑर्डर का होता है, जो कि Z3 का आइसोमॉर्फिक होता है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सुन ये सिंपल नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, राइट, और जब भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो वो कभी भी यहाँ पे सिंपल नहीं होता, तो D3 हमारे पास सिंपल नहीं होता है। बात करेंगे D4 के बारे में कि D4 में हमारे पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, राइट, तो D4 यहाँ पे n इवन है तो ये फार्मूला लगेगा, तो 4 के डिवाइजर्स कितने आते हैं, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4, तो 3 डिवाइजर है, तो इसका फार्मूला होगा 3 + 3, तो सुन यहाँ पे हमारे पास 6 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। बहुत अच्छी ट्रिक है स्टूडेंट, आप एग्जाम में याद रखे आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे सेंटर ऑफ अ डिहाइड्रल ग्रुप, स्टूडेंट डिहाइड्रल ग्रुप में सेंटर कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका फार्मूला होता है आइडेंटिटी, अगर n ऑड है और E, B^(n/2) इफ n इज इवन, ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास D3 लिखा हुआ है एंड D4, अगर आपको ये पता करना है कि इसके सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, तो सुनिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, ये A² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट, यहां था हमारे पास B² और ये B³ के बराबर हो जाता है, देन ये आएगा हमारे पास AB एंड AB², राइट, ये हमारे पास इसके एलिमेंट होते हैं। अगर D4 की बात करें तो ये आएगा A² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, और यहां पे हम जानते हैं ये आएगा B² एंड B³, राइट, एंड इसमें यह आएगा हमारे पास AB, AB² एंड AB³ और B^4 यहाँ पे हो जाता है। इसमें आप बताना चाहता हूँ कि इसका जो D3 है, तो D3 में हमारे पास सेंटर में एक एलिमेंट जाता है जो कि आइडेंटिटी होता है, पर D4 की बात करें तो एक तो हमेशा आइडेंटिटी जाता है और एक बीच में जो एलिमेंट आता है वो जाता है, राइट, तो आइडेंटिटी एंड B² जाएगा। और फार्मूले से देखोगे तो यार n इवन है तो 4/2 मतलब B², राइट। जैसे मैं बात करूँ D6, तो D6 की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा यार, A² इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ये आएगा B, B² B³ B4 एंड B5, राइट, एंड देन ये आएगा हमारे पास AB, AB² AB³ AB4 AB5, राइट, एंड यहाँ पे ये आएगा एंड ये B6 के बराबर होता है। सुन यहाँ पे सेंटर में जो एलिमेंट जा रहा है वो B³ है एंड आइडेंटिटी, सुन 2 यहाँ पे होंगे सेंटर में, तो सुन जब भी n ऑड है तो सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाता है, और जब n इवन है तो सेंटर में 2 एलिमेंट जाते हैं, एक तो आइडेंटिटी और एक हमारे पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है वो जाता है। और 2 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे n हमारे पास 6 है तो 6/2 मतलब B³, और यहाँ पे सेंटर से भी आप पता लगा सकते हैं जो सेंटर में होगा, मतलब इस टाइप से आप लिखोगे तो बीच में जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होता है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, वो उसके सेंटर में जाता है, राइट। सुनिए ध्यान देने की जरूरत है, जब n इवन है तो एक ही एलिमेंट जाएगा, जब फर्स्ट से देखते हैं, सुन n ऑड है तो एक एलिमेंट जाता है और जब n इवन है तो 2 एलिमेंट जाते हैं, राइट। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे मैं बता दूं D3 में, तो D3 में हमारे पास ये जाएगा, D4 में हमारे पास EnB² जाएगा, राइट। अब बात करते हैं सुन आगे क्लास इक्वेशन के बारे में कि यार डिहाइड्रल इक्वेशन, अब बात करेंगे क्लास इक्वेशन के बारे में कि जो डिहाइड्रल ग्रुप होते हैं उसकी क्लास इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। सुन मैं बता दूं कि D1 एंड D2 जो होते हैं वो हमेशा अभिलीन होते हैं, तो उसकी क्लास इक्वेशन बहुत सिंपल होती है, 1 होती है, जैसे D2 है तो उसकी क्लास इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+1+1 ऐसे 4 टाइम चला जाएगा, क्योंकि D2 जो होता है उसका ऑर्डर 4 होता है और 4 ऑर्डर का हमेशा अभिलीन होता है, तो उसकी क्लास इक्वेशन लिखना इज नॉट बिग डील, क्योंकि जब भी हमारे पास ग्रुप अभिलीन होता है तो उसका हर एलिमेंट क्या जाता है, सेंटर में जाता, तो वहां पे 1+1+1+ हो जाएगा, राइट।
पर जब एन दो से बड़ा होता है तब हमारे पास जितने भी डी थ्री डी फोर डी फाइव जितने भी होंगे वो सब क्या होते हैं, नॉन अबेलियन होते हैं। तो क्लास इक्वेशन यहाँ पर थोड़ा सा मैटर करता है, राइट। अब बात करेंगे सुन एन ऑड है, अब एन ऑड है मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें डी फाइव, राइट। अब डी फाइव की क्लास इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे यार, वन प्लस यहाँ पे क्या आएगा एन कितना आएगा फाइव प्लस यहाँ पे टू टू। अब आप बोलोगे सर कितनी बार टू टू लिखें यार, जब तक जोड़ दस ना हो जाए, क्योंकि इसका दो जोड़ है वो इसके ऑर्डर के बराबर होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ डी फाइव कितना होता है दस होता है। तो यार कितना दो और दो चार, चार और पांच नौ और एक दस, मतलब ये इसका क्लास इक्वेशन आएगा, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि डी सिक्स का क्लास इक्वेशन, राइट, तो यार यहाँ पे एन क्या हो गया, ये इवन हो गया, इवन हो गया। तो इसकी अब जानते हैं कि डी सिक्स में हमेशा सेंटर में दो एलिमेंट जाते हैं, राइट, इवन है तो दो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे वन प्लस वन होगा प्लस एन बाई टू एन बाई टू, सिक्स है तो यह हो जाएगा थ्री प्लस थ्री। अब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बारह आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बारह आता है, राइट, है ना, बाकी सब टू टू आएंगे, राइट। तो तीन और तीन छः, छः और सात आठ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सुन टू टू दो बार आ जाएगा, तभी तो जोड़ने पर बारह आएगा, राइट। ये ध्यान देखो, ये एलिमेंट लिख लो, बाकी तो फिर दो दो लिखना है आपको, है ना। तो वो दो दो तो फिर आप देख सकते हो जोड़ के हिसाब से कितनी बार आपको दो लिखना है। वैसे इसका फार्मूला भी होता है कि दो कितनी बार लिखना, पर इतना याद रखो तो फिर तो हो गया कल्याण, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लास इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे डी थ्री क्लास इक्वेशन हम लिख ली, डी फोर की क्लास इक्वेशन लिख ली। मैं स्टूडेंट में आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छा समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके बताओगे। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो मैंने कंसेप्ट और ट्रिक बताई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कि डी सेवन के हमारे पास सब ग्रुप कितने होंगे, इसके नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे और इसकी क्लास इक्वेशन कितनी होगी। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सब निकालने में कितना टाइम लगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ ये सब सॉल्व करने में 20 से 25 सेकंड्स लगे होंगे, पर मुझे फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कितना टाइम लगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, और लास्ट में मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। सुनिए पूरे ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है जहां पे मैं काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं ग्रुप से रिलेटेड, और सुनिए मेरा डीआरएल ग्रुप का इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए वो भी आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मेरा नया चैनल जिसमें मैंने काफी सारी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए अपलोड करी है, और सुनिए मेरा मेन चैनल जिसपे आप ये वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा। धन्यवाद।